Oh my god. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ लक्ष्मण झूला, जो कि सिंगापुर में सेंटोसा में पालवान बीच में है। ये लक्ष्मण झूला सामने देखे दिखाई दे रहा है। तो सिंगापुर में कुछ ही जगह है जहाँ पे आप फ्री में जाके मस्ती कर सकते हैं, नहीं तो बाकी सारी जगहों पे आपको टिकट्स लेनी पड़ती हैं। और उन कुछ जगहों में से एक है पालवान बीच। पालवान बीच हो गया, सिलोसो बीच हो गया, बीचेस और पार्क ही ऐसे हैं जो फ्री में है। बाकी सारी जगह तो टिकट्स लगती ही लगती हैं। कुछ और ऑप्शंस हैं जो मैं आगे आपको बताऊँगी। तो देखिए, विधि मस्ती कर रही है और हम लोग इस बीच पे पहुंच जाते थे क्योंकि यहाँ पे है वाटर प्ले एरिया, जो विधि का फेवरेट है, जो कि मैंने लास्ट ईयर एक लाइव की थी और उसमें मैंने वहाँ से लाइव की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट करिएगा। थोड़ी हिलती डुलती लाइव है और इस वीडियो में भी वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि तब मुझे वीडियो इतने अच्छे से बनाने नहीं आता था, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एडिटिंग अच्छे से करूँ और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो ये जो बीच है, यहाँ पे बहुत मस्ती करते थे हम लोग जब भी जाते हैं, तो बच्चों को अच्छा लगता है। वाटर प्ले एरिया है पास में ही, और पास में ही देखिए यहाँ पे वो ब्रिज दिखाई दे रहा है। तो ये जो है सस्पेंशन ब्रिज है या हैंगिंग ब्रिज है, लेकिन हम देसी लोग इसको बोलते हैं लक्ष्मण झूला। तो क्योंकि ऋषिकेश का लक्ष्मण झूला वैसा नहीं है, उतना बड़ा नहीं है, लेकिन मतलब मेरे को ना ऐसे रूप वाले कोई भी झूले होते हैं तो मैं उसको बोलती हूँ लक्ष्मण झूला। तो बस वही आदत सी हो गई है, तो बच्चे भी उसी नाम से बुलाते हैं। और यहाँ पे जो लक्ष्मण झूला क्रॉस करके जो जगह है ना, वो छोटा सा एक आइसलेट है, और वो जो जगह है वो आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट की गई है, और वहाँ पे बनाए गए हैं दो टावर्स जो कि आपको आई कैचिंग व्यू देते हैं रेन फॉरेस्ट का और सिंगापुर का। तो देखिए ये कितना सुंदर है लक्ष्मण झूला। और इस पे जब चलते हैं ना, तो थोड़ा सा देखो विधि मस्ती करने आ गई, और मैंने दो तीन बार की क्लिप्स को ऐड किया है, इसलिए आपको ड्रेस अलग अलग मिलेगी विधि की या मेरी, क्योंकि मैं बहुत मतलब वो जो पार्ट था जो मुझे दिखाना था, वो पार्ट मैंने दो तीन बार की क्लिप्स से ऐड कर लिया है। तो बस ये जो विजिट है, ये लास्ट वाली विजिट है जब हम अप्रैल 2019 में गए थे। तो ये ब्रिज पूरा खाली मिलना तो बहुत मुश्किल था, कोई ना कोई रहता ही है, तो वीडियो बनाना भी मुश्किल हो रही थी। और सिंगापुर में ना, अगर किसी को बिना पूछे आपने वीडियो में ले लिया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए बहुत ध्यान से शूट करना पड़ता है। बच्चों को तो बिल्कुल नहीं ले सकते, तो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए शूट किया मैंने और कोशिश की कि आपको सारी चीज़ें दिखाएँ। तो देखिए मिस्टर चल रहे हैं आगे बस मस्ती करते हुए, और ये ब्रिज मैं भी इस पे आराम आराम से जा रही थी और विधि को फन हो रहा था। हम लोग आ रहे थे जा रहे थे, दो तीन बार हमने इधर उधर क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद जो जगह है वो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंटल एशिया, इक्वेटर से क्लोजेस्ट पॉइंट। तो अभी आगे आपको मैप भी दिखाऊंगी जिसपे कि आपको पता चलेगा कि कौन से पॉइंट पे हम हैं। देखिए लिखा हुआ है द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंटल एशिया। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे फ़ोटो के लिए लोग पागल थे, एकदम दीवाने। और साइड में जो है वेडिंग शूट भी चल रहा था, कोई शूट चल रहा था, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बहुत ही सुंदर लोकेशन है, लहरों की आवाज़ और इतना मतलब अपने को ही बहुत अच्छा लग रहा था। तो सिंगापुर अगर आप जा रहे हैं और आपके पास टाइम है, तो एक दिन यहाँ पे सेंटोसा तो आप जाएंगे ही। वीवो सिटी से आपको अगर जाना है तो मोनोरेल ले सकते हैं, टैक्सी कर सकते हैं या बस ले सकते हैं। और आपको बीच स्टेशन पे उतरना है, और वहाँ पे ही है ये
बीच स्टेशन पे पालवान बीच सिलोसो बीच के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पे आपकी बसेस मिल जाती हैं और ट्रैम जो चलती है अंदर, और उससे आप पहुँच जाएंगे पालवान बीच। और अंदर जो क्रॉस करके ना, ब्रिज क्रॉस करके जो एरिया है, बहुत ही रेन फॉरेस्ट, एकदम ग्रीन पॉश, मतलब बहुत ही खूबसूरत। और मुझे तो मतलब मैं तो पागल ही हो जाती हूँ। और जो तो टावर्स हैं वो भी बहुत सुंदर है, उस पर ऊपर जाके लोग व्यू लेते हैं। उस पर लिमिट है, एक साथ में सारे लोग नहीं चढ़ सकते हैं, धीरे धीरे करके चढ़ते हैं। और व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। ये जो मतलब बोगेनविलिया है ना, ये मैंने एक वीडियो बना रखा है इस पर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मैंने उसमें डाला हुआ है ये वीडियो बहुत पहले। और मैंने एक अपना इंट्रो भी बना रखा है, वो भी उसमें भी ये पार्ट थोड़ा सा कवर किया है मैंने। वो इंट्रो मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है टाइम वेस्ट होता है लोगों का, 10 सेकेंड और क्यों एक्स्ट्रा दिए जाएँ, वीडियो वैसे ही मेरे लंबे हो जाते हैं। तो सिंगापुर में ना ग्रीनरी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है कि हर समय ही बारिश होती रहती है, तो हर समय ग्रीनरी, जहाँ पे भी बीच होता है वहाँ बारिश ज़्यादा ही होती है, और बारिश ज़्यादा होती है तो ग्रीनरी तो होगी। और इतने सुंदर फूल, मन मोहने वाले बोगेनविलिया, और ये जो जगह है ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने बहुत टाइम यहाँ स्पेंड किया था। और मैं जब भी जाती हूँ इस जगह पे, अगर हम जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सब लोग, बाकी लोग कुछ और कर रहे होते हैं, मैं अपना नेचर इन्जॉय करती हूँ, क्योंकि मुझे तो नेचर बहुत पसंद है। तो बस नेचर इन्जॉय करिए और अपने आसपास की सुंदरता को, प्रकृति को निहारते रहिए, तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं आपको। ब्रिज देखिए किस तरीके से बना हुआ है, मैंने थोड़ा सा वो कोशिश की है कि आपको मैं ये पार्ट भी दिखा सकूं। यहाँ पे ये बड़ा सा इस तरह से बना हुआ है, और उस पर वो रोप्स क्या लोहे के पाइप्स जैसे लगे हुए हैं। और फ्लावर्स, ग्रीनरी, इनका तो क्या कहना, तो सब कुछ बहुत सुंदर है। और ये जो मैप लगा हुआ है, इसमें विधि और ये लोग डिस्कस कर रहे थे, ये नहीं होगा सदन पॉइंट, हां ये रेड है, वो इस लाइन के अगेंस्ट है ना, देखो। अच्छा, इक्वेटर। तो पापा की और बच्चों की बातें हो गई, और देखिए मैप से आपको भी समझ में आ गया होगा कि करेंटली हम लोग किस जगह पे हैं। इक्वेटर के एकदम पास में है ये, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ है, मतलब कॉन्टिनेंटल एशिया का एकदम एंड है एक तरह से। मैप में आपको क्लियर हो जाएगा उसका। और ये जो टावर्स हैं, दो टावर्स बने हुए हैं इस तरह से, आप उस पर ऊपर जाइए और व्यू देखिए, देखिए ऊपर से व्यू कितना खूबसूरत है। काश मुझे उस समय अच्छे से वीडियो बनाने आ रहा होता, तो मैं तो मतलब बहुत ही अच्छा वीडियो बनाती हूँ। विधि ऊपर जा रही है और साथ में उसके पीछे पीछे मैं भी, और हम दोनों ने वहाँ ऊपर जाके बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। और देखिए ऊपर से जो नज़ारा था ना, वो बहुत ही खूबसूरत था। मतलब प्रकृति है, साथ में सुंदरता तो है ही, और साथ में आर्टिफिशियली भी इस तरीके से डिज़ाइन की गई है, इस तरह से बनाई गई है चीज़ें कि हर कोई उसको बहुत ही अच्छे से इन्जॉय कर सके। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू था, और ऊपर से तो बहुत, और उस तरफ जो है वीवो सिटी मॉल दिखता है पूरा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से, और जो कुछ उस दिन कुछ खास था, क्योंकि बहुत सारे जेट प्लेन्स चल रहे थे फ्लैग वाले, तो मैंने वो भी थोड़ा सा ट्राई किया कि वो भी कैप्चर करूँ आप लोगों के लिए। उसमें फ्लाइट, मतलब वो जो जेट वाले प्लेन्स होते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो रही थी या कुछ तो हो रहा था, तो वो बहुत सारे फ्लाई हो रहे थे उस टाइम पे फ्लैग के साथ में, तो हमने वो भी कोशिश की। और ये देखिए व्यू कितना खूबसूरत है, दोनों साइड में बीच है, और बीच से और ये ऊपर टावर है, जहाँ पे मतलब आप टावर सिर्फ इसीलिए बना है कि आप आई कैचिंग व्यू ले सकें, पूरा चारों तरफ का नज़ारा ले सकें। और ये देखिए फ्लैग वाले कुछ वहाँ पर चल रहे थे, वो दिखाई रही हूँ मैं, और ये लहरों की आवाज़ तो मतलब बहुत ही खूबसूरत है। तो अगर आप सिंगापुर जा रहे हैं तो ये जगह मिस नहीं करिएगा, यहाँ पे भी ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये भी है बहुत ही अच्छी जगह, और यहाँ पे बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। और फ्री में है, मतलब सब कुछ फ्री है यहाँ पे, जो वाटर एरिया है, वाटर प्ले एरिया, वो भी फ्री में है। मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा ही लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है थोड़ा भी, तो लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक देना मत भूलिएगा, और पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।